बड़ा ही पावन क्षण है। जब हम प्राकट्य दिवस की इस पावन छटा में, इस दो दिवसीय आयोजन में स्वर्वेद महामंदिर धाम पर एकत्रित हुए हैं। साहेब की वाणी कहती है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। तो सत्संग मात्र आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। स्वर्वेद महामंदिर धाम का यह पवित्र परिसर है, वर्ष 2004 से स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण का प्रारंभ हुआ और पिछले वर्ष 18 दिसंबर को इस महामंदिर के प्रथम चरण का उद्घाटन भी हो गया। यह आप सबों के विहंगम योग संघ समाज के सभी साधक साधिकाओं, भाइयों बहनों की अद्भुत सेवा का ही यह सुपरिणाम है। आप सबों ने मिलकर सद्गुरुदेव के स्वर वेद को जन जन तक पहुंचाया है और न केवल सद्गुरुदेव के संदेश स्वर वेद को ही जन जन तक पहुंचाया है, बल्कि स्वर्वेद महामंदिर निर्माण के इस महायज्ञ में आप आहुति देते रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान लिखते हैं एक स्थान पर, सदगुरु साहेब का रचित बीजक स्वरवेद और जो चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य है, ये तीन को कहा कि ये प्रमुख साहित्य हैं इस संस्थान के। एक तरफ जहां ऋषियों के अनुभवों से परिपूर्ण वेदों के मंत्र हैं, तो दूसरी तरफ साहेब की भी साहबी है। जहां सहजता है, सरसता है, स्वाभाविकता है, जहां अद्भुत आनंद है। एक तरफ जहां वेदों के मंत्र गूंजते हैं, दूसरी तरफ जहां साहेब के सिद्धांतों को हम आत्मसात करते हैं। साहेब कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। साहब वह कहते हैं, साहब की पहुंच वहां है जहां मन और इंद्रियों की पहुंच है नहीं।
इसीलिए ऋषि कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह। जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है, उसके परे वह सत्ता है। साहब उसी का दिग्दर्शन करते हैं। विहंगम योग में एक अद्भुत समभाव है, समदृष्टि है। एक तरफ जहां वेदों के मंत्र हैं, स्वर वेद की दिव्य वाणी है जो विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य अनुभव वाणी है, ज्ञान के दो धरातल हैं, एक धरातल बौद्धिक है, एक धरातल पुस्तकीय है। एक धरातल बुद्धि का व्यायाम है। हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मन बुद्धि के आधार पर समझना भी चाहिए। विवेक युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर, किंतु ज्ञान का जो आधार है वास्तविक, वह आत्मिक है, वह भेदिक है, आध्यात्मिक है। वहां बुद्धि का व्यायाम काम नहीं करता, वहां व्याकरण काम में नहीं आता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। जो सत्य है, जो सत्य है उसे कहने का जो सामर्थ्य साहब की वाणियों में है, सत्य को उसी रूप में कहने का जो सामर्थ्य है, जो साहब की वाणियों में प्राप्त होता है, वैसा तो कहीं अन्य प्राप्त होना सर्वथा दुर्लभ है साहब की वाणियों के भिन्न। जिस बात को जिस रूप में कहना चाहा है भाषा से कहलवा दिया है। भाषा और व्याकरण क्या है, भाषा और व्याकरण क्या है, वो तो सदगुरु की शिष्या है। जिस तत्व को जिस रूप में साहब कहना चाहते हैं भाषा से कहलवा देते हैं, भाषा बोल उठती है। उनकी वाणी में उनका अद्भुत कालजयी व्यक्तित्व विद्यमान है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं एक तरफ जहां वेदों की धारा है, बीजक है नित्य अनादि सद्गुरु का, और स्वर वेद है जो हम सब का प्राण है, विहंगम योगियों का प्राण है। ये जो तीन साहित्य हैं इस संस्थान के प्रमुख साहित्य होंगे, सदग्रंथ होंगे। ज्ञान का जो धरातल है वह अत्यंत ही भेदिक है, रहस्यात्मक है। और साहब ने सदैव उस ज्ञान का विमल प्रकाश ही प्रकाशित किया है।
अंधेरे पर चोट की है, अज्ञानता पर चोट की है, अहंकार पर चोट की है, जो कुछ भी ऐसा है, जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं है, ऐसे सभी, जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे आत्म कल्याण में बाधक है, बाधाएं बहुत हैं, विक्षेप कितना है, यह पथ योग का है, यह पथ अध्यात्म का है, यह पथ साधना का है, यह वीरों का पथ है, यह पुरुषार्थियों का पथ है, ब्रह्म विद्या का पथ। और साहब उसी परम साधना में ही हमें स्थित करते हैं। साहब का नाम ऐसा जैसा घनघोर अंधेरे में किसी ने घी का दीपक जला दिया हो। हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए जो साहब की वाणियां हैं, वो बड़ी ही अद्भुत हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। साहब कहते हैं जो बुद्धि का व्यायाम है, जो मन की कल्पनाएं हैं, जो विचारों का उतार चढ़ाव है, वह हमें व्यथित कर रहा है। जो देखा है उसे कहा है, जो मन इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, साहब ने उस तत्व को आंतरिक रूप से देखकर प्राप्त कर जनमानस के कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है, लिखा लिखी की है नहीं। साहब की ऐसी सहजता है, ऐसी सरलता है, ऐसी स्वाभाविकता है, जहां बुद्धि का व्यायाम होता है, जहां है तो केवल आंतरिक अनुभव, जहां है केवल प्रेम का प्रवाह, जहां है केवल सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता। जो भी कुछ ऐसा है जो हमारे आत्म कल्याण में बाधक हो, उन्हीं बाधाओं से हमें पार जाना है। साहब ने बारंबार यह संदेश दिया, यह संकेत किया। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है, जो है उसे ही तो प्रकट करना है, जो है उसे ही तो जानना है, और जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त होगी। साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधि आवे हाथ, कबीरा तब ही पाइए जब भेदी लीजे साथ, जब भेदी लीजे साथ।
जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त होगी, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं समझते हैं उसमें संशय भी बहुत होता है, अंधेरा भी बहुत होता है, अज्ञान भी होता है, वो ब्रह्म से पूर्ण होता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपर्यय ज्ञान अविद्या है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत है, अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशय हीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। इसका अनुभव हम तब कर सकते हैं जब हम महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलें, उस आंतरिक साधना के पथ पर चलें। हम साहेब की साहेबी के साथ आगे बढ़ें, स्वरवेद के साथ आगे बढ़ें, वेदों के मंत्रों के साथ आगे बढ़ें, तभी हमें उस वास्तविकता का अनुभव हो सकता है। स्वरवेद महामंदिर इसी का एक दिव्य रूप है। तो संपूर्ण भारतीयता को समेटे आध्यात्मिक ज्ञान की एक अद्भुत झलक दिखला रहा है। स्वरवेद के समस्त दोहे श्वेत मकराना संगमरमर पर उत्कीर्ण किए जा चुके हैं, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। अभी वेदों के मंत्र और साहेब की अनेकानेक वाणियां स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाली है, शोभा बढ़ाने वाली। बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया जाना शेष है। स्वरवेद महामंदिर धाम पर वेद के अनेकों मंत्र उत्कीर्ण किए जाने हैं, यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। साहेब की अनेक वाणियां स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाएंगी। स्वरवेद के साथ संपूर्ण आध्यात्मिकता, भारतीयता। इसीलिए तो यह स्वरवेद महामंदिर धाम है। मैं प्रायः कहता ही रहता हूं, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के पूर्ण हो जाने से सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति के संकल्प के पूर्ण हो जाने से ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार, स्वरवेद का प्रचार प्रसार, भारतीयता का विकास जन जन तक, मन मन तक बड़ी तेजी से होता जाएगा।